दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टीआरटी न्यूज चैनल पर। मित्रों, अगर आप अपने पंचायत, अपने वार्ड या अपने शहर गांव का वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी 2020 का लेटेस्ट अपडेटेड, तो आज की इस वीडियो में आपको वह तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने मोबाइल से या अपने कंप्यूटर से इसे बड़े ही आसानी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने गाँव का, अपने पंचायत का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। वोटर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आप nvsp.in वेबसाइट को ओपन करेंगे, जो कि भारतीय मतदाता सेवा पोर्टल है। जब आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यानी कि पेज पे नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, डाउनलोड इलेक्ट्रॉल रोल PDF, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट स्टेट, तो आप जिस भी राज्य से हो उस राज्य को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं बिहार से हूँ तो मैंने बिहार को सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको गो पर क्लिक कर देना है। गो पर क्लिक करने के बाद यह आपको बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है असेंबली सेगमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका असेंबली कहाँ पड़ता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका विधानसभा जो भी पड़ता हो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसे सेलेक्ट करने के बाद पार्ट नंबर, यानी कि आप कहाँ पर वोट गिराते हैं, उस वोट गिराने वाले स्थान को आप यहाँ पर सर्च करके उसे भी सेलेक्ट करेंगे। पार्ट नंबर सेट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, मदर रोल विथ एडिशनल लिस्ट और मॉडिफिकेशन एंड डिलेटेशन लिस्ट। यानी कि अगर आपको पूरा वोटर लिस्ट चाहिए तो मदर रोल विथ एडिशनल लिस्ट को आप सेलेक्ट कीजिए। अगर आपको मॉडिफिकेशन यानी कि वोटर लिस्ट में जो बदलाव किए गए हैं और जिन सारे लोगों को डिलीट किया गया है, अगर आपको उनकी लिस्ट चाहिए तो आप सेकेंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि आपको किस प्रकार से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है। तो नीचे में आप देखिए एक कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, उस कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा टेक्स्ट हियर में आपको लिख देना है। इसे लिख देने के बाद आपको सिंपल से व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पर क्लिक करने के बाद आपका वोटर लिस्ट डाउनलोड होने लग जाएगा, जैसा कि अभी आप यहां पर देखिए मैं आपको दिखाता हूं। डाउनलोड में यहां देखिए फाइनल रोल AC नंबर 151 पार्ट नंबर जो भी मैंने सेलेक्ट किया वह डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद ये देखिए आपके सामने में निर्वाचक नामावली 2020-04 बिहार यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इस वोटर लिस्ट में जो भी नक्शा है, पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन का फ्रंट लाइन और यहाँ पे जो सारी बातें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जितने सारे लोग आपके वोटर लिस्ट में है वो सारे टोटल यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप घर बैठे हुए अपना वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे अपने पंचायत का, अपने वार्ड का। तो मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए लाभदायक रही तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित वीडियो लेके आते रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।